नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ बिहार के सियासी किस्सों को साझा करने के लिए। बिहार में सत्ताधारी एनडीए की टक्कर सीधे आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में होनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार महागठबंधन का जो स्वरूप सामने आया था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर शामिल थी। लेकिन इन दिनों महागठबंधन में सब कुछ साफ साफ नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे महागठबंधन बिखराव के कगार पर है। विशेष तौर पर हम देखें, बात करें राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की, तो वह इन छोटे दलों से बात करने को कतई इच्छुक दिखाई नहीं देता है। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कई बार महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव और ना ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। लेकिन अब जो हुआ है वो यह बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन में सब कुछ अब अच्छा नहीं चल रहा है। बुधवार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर कांग्रेस और राजद नेताओं की एक विशेष बैठक हुई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि राबड़ी देवी के आवास पर हुए इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह भी शामिल थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उपस्थित थे। अब जबकि पांच दलों का महागठबंधन था, तो ये बैठक सिर्फ राजद और कांग्रेस के बीच क्यों हुआ? ये साफ साफ दिखाता है कि महागठबंधन में सब कुछ सही सही नहीं चल रहा है। वही अब हम बात करें कि राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व के मन में क्या चल रहा है। जिस समय लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेहद शालीनता के साथ और दो कदम आगे बढ़कर महागठबंधन के दलों को एक सुर में सुर मिलाने को विवश कर दिया था, जब सब लोग एक साथ आ गए थे, लेकिन उसके बाद सीट बंटवारे को लेकर के जिस प्रकार का विवाद चुनाव के अंत समय तक देखने को मिला, उसने महागठबंधन की नींव हिला डाली। तेजस्वी यादव को ऐसा भरोसा था कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के साथ आने से उनके स्वजातीय वोटरों का सहयोग महागठबंधन को मिलेगा। पहले से मुस्लिम और यादव का वोट इंटैक्ट था और अगर ये वोट्स हमें मिलते हैं तो फिर एनडीए तो कहीं आसपास होगा ही नहीं। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो वो बिल्कुल उलट रहे। सारी सीटों पर सिर्फ एक किशनगंज की सीट कांग्रेस जीत गई, बाकी बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा हो गया। तेजस्वी यादव इस बात से भी दुखी है कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो इन छोटे छोटे दलों ने इस प्रकार का ऐसा आवरण बनाया जैसे इनसे ज्यादा जनाधार तो बिहार में किसी पार्टी का है ही नहीं। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे शून्य रहे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटरों ने तो इन दलों के उम्मीदवारों को वोट दे दिया, लेकिन इन दलों का जो वोट रहा, जो इनके जातियों का वोट रहा, वो आरजेडी के साथ ट्रांसफर नहीं हो पाया। इस वजह से तेजस्वी यादव इन लोगों के साथ गठबंधन करने से बच रहे हैं और ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। हाँ, कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार वर्चुअल रैली महागठबंधन के नेताओं के साथ की थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ऐसा कोई संदेश या ऐसा कोई सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है कि भविष्य में एक बार फिर से जो आसन्न बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, जो 1.5-2-3 महीने में कभी भी चुनाव आयोग जिनकी घोषणा कर सकता है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। लेकिन उम्मीद ऐसी जता रही जा रही है, जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी के दलों को ये शायद बाहर का रास्ता दिखा दे या इनसे किसी प्रकार का कोई बातचीत ही ना करें।